हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के नोट्स बता रही हूँ। कृपया आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, राम रीड्स। तो राम रीड्स यह वाक्य पूरा नहीं है क्योंकि इनकी मुख्य क्रिया के पूर्व तथा शब्द लगाने से उत्तर मिलने की आशा है, लेकिन उत्तर नहीं दिया गया है। अगर अपन लिखेंगे राम रीड्स द रामायण, तो यह पूरा वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, जैसे डॉग्स बात, कुत्ते भौंकते। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अपन बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को बोलते हैं विज्ञेय। सब्जेक्ट को दिए गए वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। तो राम इज ईटिंग द फ्रूट, अ ब्लैक बर्ड्स इन द बुश ऑफ फ्लू अवे। तो अपन अब एक देखेंगे अपन एंड वी, जैसे अपन बोलते हैं ना नोट, तो अपन उसको नोट नहीं बोलेंगे, नोटा बाटा बोलते हैं, जिसको होती है विशेष ध्यान देने वाली बात। दिए गए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पूर्व लिखा वाक्यांश सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट। दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे राम इज ईटिंग द फ्रूट्स, अ ब्लैक बर्ड्स इन द बुश फ्लू अवे। तो इसमें जो प्रेडिकेट होगा वो होगा, सिर्फ अपन सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, उसके बाद जितना भी बचेगा वो पूरा प्रेडिकेट होगा। तो इसमें हो जाएगा इज ईटिंग द फ्रूट्स और फ्लू अवे। तो एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, जैसे लिखा है सीता वॉज वाइफ ऑफ द राम, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा सीता, और प्रेडिकेट हो जाएगा वाइफ वाज वाइफ ऑफ द राम। ठीक है ना, ये आप लोगों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हो जाएगा पार्ट्स ऑफ सेंट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के मुख्य चार भाग होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फेज। तो सबसे पहले आएगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में होता है ए एन द माई योर हिज हर अवर दिस दैट दिस दोज मी एंड सम एनी इटीसी। ये सब हो जाएंगे आपके डिटरमाइनर। और एडजेक्टिव जो विश्लेषण होता है वो होता है ब्लैक व्हाइट टॉल हाई लॉन्गर इटीसी। विश्लेषण मतलब किसी भी चीज़ की अपन विशेषता बताते हैं, वो सिर्फ एडजेक्टिव हो जाते हैं। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, संज्ञा होती है बॉय गर्ल ब्रदर सिस्टर्स इटीसी। एडजेक्टिवल फेज होता है विशेष वाक्यांश जो होता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन को छोड़कर शेष वाक्यांश कहलाता है। तो माई फादर गोज टू कानपुर, इसमें सब्जेक्ट होगा माई फादर, पार्ट्स डिटरमाइनर होगा माई और नाउन होगा फादर। हिज यंगर ब्रदर लाइफ्स इन दिल्ली, इसमें चारों निकालना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हिज यंगर ब्रदर, डिटरमाइनर हिज, एडजेक्टिवल फेज यंगर और नाउन हो जाएगा ब्रदर। ठीक है ना, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रिटी, तो सब्जेक्ट होगा द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, डिटरमाइनर होगा द, एडजेक्टिवल फेज होगा रेड, नाउन होगा फ्लावर्स, एडजेक्टिवल फेज होगा इन माई गार्डन और वो हो गया एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के मुख्य तीन भाग होते हैं, प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के दो भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, ईटीसी वगैरह। मेन वर्ब होती है ईट, कुक, रीड, प्ले, ईटीसी। डायरेक्ट में मी, हिम, हर, इज, यू, देम, ईटीसी। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई बेजानदार वस्तु ले लीजिए, बॉल, टेबल, ट्री, साइकिल, बुक, ईटीसी। राम इज अ गुड बॉय, तो प्रेडिकेट हो जाएगा इज अ गुड बॉय, पार्ट्स वर्ब हो जाएगी इज, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अ गुड बॉय। माई फादर इज रीडिंग अ बुक, प्रेडिकेट हो जाएगा इज रीडिंग अ बुक, हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब रीडिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक। ठीक है, सी इज टीचिंग मी इंग्लिश इन द क्लास, तो प्रेडिकेट इन टीचिंग मी इंग्लिश इन द क्लास, हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब टीचिंग, इनडायरेक्ट हो जाएगा मी, इनडायरेक्ट हो जाएगा इंग्लिश और कॉन्ग। ठीक है ना, और कंजक्शन हो जाएगा इन द क्लास। सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, तो डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिवल प्लस नाउन प्लस एडवल फेज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये सेंटेंस है मी डैश अ लेटर माई रोट लेट मदर, तो ये री ऑर्डर में अपन ऑर्डर में करेंगे, तो लिखेंगे माई मदर रोट मी अ लेटर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में बाई आई ट्रैवलिंग वॉज बस योर ट्रेवल, तो लिखेंगे आई वॉज, ठीक है, ट्रैवलिंग बाय बस यस्टरडे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। थैंक यू गाइस, कल अपन पढ़ाएंगे चेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। आप लोग थैंक यू।